की सरकार बनी है जब से भ्रष्टाचार और अत्याचार कम हुए हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नज़रिया ये है, जब से सरकार बनी है भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और जो आज जातिवाद के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश में सभी लोग हमारे भाई की तरह रहना चाहते हैं, मगर आज ये सरकार जो है आपस में सबको अलग अलग करना चाहती है। तो भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म हो गया है? भ्रष्टाचार कहीं आज तक खत्म नहीं हुआ है। और मैं दूसरा नंबर ये कहना चाहूँगा, अगर आज ये EVM को छोड़ करके आप से दिल्ली हरियाणा में भी चुनाव कराने महाराष्ट्र में चुनाव कराते हैं, उनकी सरकार कहीं भी बनने वाली नहीं है। सरकार दूसरी सरकारें बनेंगे जो स्थाई मामला चाहती हैं, जो स्थाई चाहती हैं अपने देश और मुल्क के साथ, अपने मुल्क को जो और लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं, उन्हीं की सरकार इस देश में बनेगी जो लोकतंत्र के अंदर बांटना चाहती है। वो सरकार में सरकार को नहीं लड़ता। और जैसे कि आज रविदास मंदिर को के साथ में इस तरीके से बहुत पुराना मंदिर के साथ में इस तरीके से व्यवहार हुआ, इसको तोड़ा गया है, तो दलितों में या सभी देशवासियों के ऊपर ठेस पहुँची है, क्योंकि आज उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को इस तरीके की भावनाएँ लेने चाहिए और सभी को एक साथ लेकर के साथ चलना चाहिए। मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से यही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री सबके हैं, सर एक ही BJP के सर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सभी के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का मानना यह है, मैं जो है राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, संविधान से भी हमारा सचिव का मतलब है सभी मानव के साथ चलना, इंसानियत के साथ चलना, सभी के साथ रह करके अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।